मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूँ इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद का इलाका है। ये लवार गली एक ही रोड है जो कि मनसेरा से अगर आए हैं तो सीधे अगर हमने मुजफ्फराबाद जाना है तो उसकी एंट्रेंस पर लवार गली है और लवार गली के अंदर एक ऐसा लैंड स्लाइडिंग एरिया है जो कि इस वादी का सबसे ख़तरनाक तरीन लैंड स्लाइडिंग एरिया है। हम अगर आपको बात करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इस लैंड स्लाइडिंग एरिया के अंदर जो गाड़ियाँ फंसती हैं वो कैसे फंसती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है वो बहुत हैवी ट्रक है, सीमेंट गालबन लेकर जा रहा है और ये भी बड़ी मोहतात अंदाज में गुजर रहा है। मिट्टी है, अगर कैमरा ना आपको दिखा सकता है तो ऊपर एक गांव है, इसके ऊपर एक गांव है और बड़ा अरसा दराज से उसको भी ख़तरा है कि वो भी लैंड स्लाइडिंग एरिया की वजह से अगर ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो, जलजला है तो वो कहाँ जाएगा। ये गाड़ियाँ आती हैं, अगर नुकसान होता है बड़े पत्थर उनको लेके जाते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं। हम थोड़ा सा आगे आएंगे और आपको करीब से ये सारे मनाजर दिखाते कि एज के ऊपर ये गाड़ी चल रही है। दुनिया की ख़तरनाक तरीन तो नहीं कह सकते लेकिन पाकिस्तान की ये ख़तरनाक तरीन रोड है। इतनी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग है कि आपको यहाँ पर आई थिंक के कई सौ फुट गहरी, अगर यहाँ से इस एंगल से हम दिखाएं तो कई सौ फुट गहरा जो है वो एक खाई है और खाई के सामने कई कई फुट गहरे पानी वाला दरियाए नील है। ये दरियाए नील अगर आप देख सकें कि दरियाए नील कितनी स्पीड से और कितनी गहराई से जा रहा है और इसके अकब में अगर आप आबादी देख सकें मुजफ्फराबाद शहर की, वो आबादी भी है, खूबसूरत तरीन इलाका है। आप सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर है, असम्बली भी यहाँ पर है मुजफ्फराबाद की। लेकिन बदकिस्मती कि इस शहर को कोई ठीक नहीं कर पाया, लोगों के तहफ़ुज़ात बहुत हैं। हम बात कर लेते हैं कि लोगों के तहफ़ुज़ात इतने हैं कि ये एक छोटा सा रोड है, आई थिंक 30-40 फीट का रोड है, ये पहाड़ी पीछे से पीछे जाती जा रही है, आगे से गांव है वो नीचे चलाता है, आने का ख़तरा है उसका, लेकिन इस रोड को कोई बना नहीं पा रहा। ये देखें टूरिस्ट आते हैं, खान साहब बात तो बहुत करते हैं कि टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट को सहूलत देनी चाहिए, अगर इस तरह के एरिया से टूरिस्ट गुजरेंगे। हम यहाँ से कल गुजरे तो बारिश हो रही थी और बारिश में इतना ख़तरनाक तरीन ये सफ़र बन चुका था। यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस हवाले से और वो कितने परेशान हैं और यहाँ पर सफ़र करने वाले कितने परेशान हैं, उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों ये ख़तरनाक तरीन रोड है पाकिस्तान की वादियों के अंदर जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों के करीब, लाखों के करीब लोग सफ़र करते हैं। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। मुजफ़्फ़राबाद के एक मशहूर शहर है एबटाबाद वाली, इसको लोहार गली का नाम, ये लोहार गली जगह का नाम है। ये यहाँ से तो काफ़ी कुछ नुकसान हो चुके हैं, तो कई बार इधर से जानी नुकसान भी हुए, गाड़ियाँ भी जो है लैंडस्लाइड की वजह से हो गई हैं, तो बस कुछ इधर हुकूमत वक्त वजह नहीं दे रही है इससे, ये नीचे जा रही है सारी। हमारा अपना भी कई नुकसान हुआ, ये हमारी अपनी ज़मीनें इधर ये नुकसान हो रही हैं। हाँ जी, सीधी दरिया की तरफ जा रही हैं। लवार गली में जो ये लैंड स्लाइडिंग है, कितना का नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियाँ हैं? सर कई अरसा से इसी तरह नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत जो हमारी रही है आज़ाद कश्मीर की, इसने भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन हर वक्त नुकसान होता रहता है, लैंड स्लाइडिंग होती है और ट्रैफिक जाम होती रहती है। कम अज़ कम दो दो तीन तीन घंटे लोगों को परेशानी होती है जहाँ ट्रैफिक खड़ी रहती है। लेकिन आज से दो तीन साल पहले भी दो तीन आदमी इधर से गाड़ी एक नीचे आई थी, उधर से ऊपर से एक नीचे लैंड स्लाइडिंग को उसके नीचे गाड़ी है, दो तीन आदमी एक घर के फैमिली है वो चली गई थी। इसी तरह एक ट्रक आ रहा था वो भी नीचे चला गया, उसमें भी आदमी इसी तरह चले गए। खास यानी खतरनाक तरीन इलाके है, इसके हुकूमत भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचती है, उसको सोचना चाहिए कि यहाँ इसके मान लीजिए या दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करें या कोई ऐसा सिस्टम करें जहाँ लोगों को परेशानी नहीं। हाँ सुरंग भी बना सकते हैं हुकूमत के पास, तो हर मसला हल हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट है, उनको तो कुछ भी कर सकती है।
कि कितना खतरनाक है ये और कितना नुकसान यहाँ हो चुका है, और गाड़ी यहाँ से अगर स्लिप वाला ना करे और पहाड़ी के ऊपर से अगर कोई पत्थर आए तो किधर जाता है? ये तो सीधा तरह दरिया में जाता है ना पत्थर, गाड़ियाँ कई गाड़ियाँ गई हैं यहाँ से नीचे, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ गई हैं। समझते कि कश्मीर का सबसे खतरनाक तरीन ये सड़क, ये एरिया है, ये रोड, ये बहुत खतरनाक है जी। यहाँ से जब आप गुजरते हैं तो क्या दिल में खौफ होता है? बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं हम इधर से, ट्रैफिक भी जाम रहती है। हाँ बड़ी ऐसा तक ट्रैफिक जाम रहती है, रास्ता बंद हो जाता है कितनी देर तक, रास्ता दो तीन दिन रास्ता बंद रहता है, दो तीन दिन बंद रहता है। यहाँ की हुकूमत क्या करती है? हुकूमत फिर बोर्ड लेके सो जाती है। कोई मरीज अगर गाड़ी में हो, आप भी मरीज लेके जा रहे हो? जी मैं मरीज लेके जा रहा हूँ। अगर मरीज कोई शदीद बीमार हो तो उसके लिए तो फिर खतरा है बहुत ज्यादा। हाँ ज्यादा खतरा है जी, बहुत ज्यादा खतरा है। पर के ये वो शख्स है जो यहाँ रूटीन से यहाँ से गुजरता है, और उसका कहना है कि यहाँ पर अगर वो मरीज को लेके जाए और दो तीन दिन रास्ता बंद रहता है, मट्टी इतनी सॉफ्ट है कि हम अगर आपको जाके दिखाएं तो इतनी सॉफ्ट मट्टी है कि शायद ये नेचुरल ये यहाँ की कुछ चीज़ है। हम इनसे भी बात करते हैं यहाँ से, कोई क्योंकि इंतखाबात चल रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इतना खतरनाक रोड बनता क्यों? ये जो हमारे सियासी हैं, हम सियासी हुक्मरान हैं, इनका जात पात रंगो नस्ल की जो है ना वो फकीर किसी को एक दूसरे पर नहीं है, लेकिन कितना नुकसान करता है ये, खतरनाक है, कितना कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं ये रोड की बात से। बता गिरता है तो जाता कहाँ इस डायरेक्टली नीचे रिवर में जी। और भाई से भी बात करते हैं। अच्छा आप क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? बस हम यही कहेंगे हमारी जानों को खतरा है, यहाँ से बहुत आने जाने में मुश्किल। कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर का सबसे खतरनाक तरीन इलाका है क्या? ये सबसे खतरनाक ये दो स्लाइड एरिया आ रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है। हम चाहेंगे कि हुकूमत से कोई ना कोई करें यहाँ पे इसकी कोई हल निकाले। नाजिन हैवी ट्रक गुजर रहा है, उसके लिए हमें साइड पे हटना पड़ रहा है ताकि उसे रास्ता मिले और जा सके। ये हैवी ट्रक है, अगर ये यहाँ पर इतने खतरनाक अंदाज में आते तो फिर बाकी लोगों का क्या होता होगा। उम्मीद है कि हुकूमत वक्त जो भी यहाँ पर आए वो आखिर काम करवाए, अगर इमरान खान साहब ये वीडियो उन तक पहुँचे तो उम्मीद करेंगे कि हाँ, क्योंकि मेट्रो टाइम न्यूज़ का जो स्लोगन है आपका वक्त आपकी आवाज़, तो हम कश्मीर की आवाज़ बनकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम अगर इनकी आवाज़ पहुँचाने में कामयाब हो सके तो हम एक अच्छा काम करें। तकरीबन 28 साल उम्र हो गई है, मैंने जब से होश संभाला है ये काम इसी तरह देख रहा हूँ। पहले तो ये थोड़ी थोड़ी आती थी ना स्लाइड, तो ये PWD वालों का डोजर खड़ा है यहाँ पे, वो हर दिन आए दिन कटाई कर रहा है, ऊपर से इलाका नीचे आ रहे, आए दिन कटाई कर रहे, इलाका नीचे आ रहे, इसका कोई मेन हल नहीं हो रहा। जानी नुकसान आपने सुना देखा, और क्या ये वाकई कश्मीर की सबसे खतरनाक तरीन ये सड़क है लैंडस्लाइडिंग के हवाले? मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से नीचे जा चुकी हैं, और उनमें तकरीबन दर्जनों के हिसाब से जो है ना लोग मारे जा चुके हैं, तो कोई भी उसके बाद हल नहीं हुआ। गाड़ी यहाँ पे रहती नहीं है, नीचे जाती है सीधा, नीचे दरिया में जाती है सीधी, तो दरिया के आसपास जाती है, यहाँ से ऊपर लाना गाड़ी को मुश्किल होता है, नीचे से लेके जाते हैं, तो जो कोई गाड़ी नीचे जाती है तो